ओके स्टूडेंट्स, तो वेलकम अगेन। हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। हमने जो है वो आपसे कहा था लास्ट सेशन में कि अरे हमने लास्ट सेशन में आपसे कहा था कि हम जो है वो आपको रिलायबिलिटी एनालिसिस सिखाएंगे, पायलट स्टडी सिखाएंगे। तो पायलट स्टडी की एक फाइल जो है वो मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ कि खोल दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पायलट स्टडी जो है वो कैसे करते हैं हम लोग। तो पायलट स्टडी के हवाले से आप लोगों को मैं देख लेता हूँ कि कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा होगा पायलट स्टडी का। बिल्कुल, पायलट स्टडी का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये पायलट स्टडी है हमारे पास। जी देखें, सबसे पहले पायलट स्टडी में क्या है, पायलट स्टडी का देख लें, थोड़ा सा इंट्रो होता है। क्या कहते हैं, पायलट स्टडी वाज कंडक्टेड प्रायर टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चन टू द रिसर्च सैंपल। यानी कि सब लोगों को हमने नहीं दिया बल्कि चंद लोगों को हमने दिया है। द मेन एम ऑफ द पायलट स्टडी वाज टू रिफाइन द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इन आंसरिंग द क्वेश्चन बाई पार्टिकल्स इन द मेन स्टडी एंड टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इन रिकॉर्डिंग डेटा सरेंडर। ठीक है, यानी कि क्या मतलब होता है, पर ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमें, इसलिए पहले चंद लोगों को देख के पायलट स्टडी कर लें। फॉर द पायलट स्टडी ऑफ द रिसर्च वॉज कंडक्टेड अमंग 100 रिस्पॉन्डेंट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश रिस्पॉन्डेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो 100 लोगों को पहले दिया था, आप मिनिमम 30 लोगों को दे सकते, कोई मसला नहीं। ठीक है, राइट, मैक्सिमम 100 को दें, कोई मसला नहीं। 30 से आप शुरू में फिल करवा लें, पायलट स्टडी का अलग से सेक्शन बना लें अपने रिपोर्ट के अंदर, तो अच्छा रहता है। और उसमें यही सारे चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन, इसके रिलायबिलिटी वॉज टेस्टेड यूजिंग क्रॉनबेक अल्फा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। द टेबल बिलो फर्स्ट शोज द इनिशियल आइटम इन ईच कंस्ट्रक्ट इंक्लूडिंग द क्वेश्चनियर टू द कंडक्ट द स्टडी। ठीक है, तो इसमें देख लें कि कितने आइटम थे। तो देखें, पहला जो कंस्ट्रक्ट है उसमें क्या है, स्टिम्युलेशन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर फाइनल मोटिवेशन है। फाइनल मोटिवेशन में कितने हैं, 4 आइटम है, 4 लिख देंगे। मॉरल मोटिवेशन में कितने हैं, 4 आइटम्स हैं, 4 लिख देंगे, यानी 4 क्वेश्चंस, आइटम का मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, पॉजिटिव के अंदर 4, नेगेटिव के अंदर 3, इंडिविजुअल के अंदर 3, ग्रुप के अंदर 3, कॉम्पिटेंस के अंदर इंडिविजुअल में 4, टेक्निकल पावर में 3, प्रैक्टिकल में 7, जॉब लॉयल्टी में 8। ठीक है ना, तो जो भी आइटम्स थे वो लिख दिए, फिर बता दिया कि टोटल कितने हैं। तो द टोटल शोज दैट देयर वर टोटल 43 आइटम इन टोटल 10 कंस्ट्रक्ट्स और सब कंस्ट्रक्ट्स। टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट्स वी रन द रिलायबिलिटी एनालिसिस फॉर ईच ऑफ द कंस्ट्रक्ट एंड कैलकुलेट देयर क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू। द रिजल्ट ऑफ द क्रॉनबेक अल्फा इज प्रेजेंटेड एट एज फॉलोज। तो हर, याद रखिएगा, हर कंस्ट्रक्ट का यानी कि हर वेरिएबल का अलहदा अलहदा जो है वो रिलायबिलिटी चेक किया जाता है। हर किसी का अलग अलग क्या देते हैं, पूरे क्वेश्चनियर का एक साथ आपने चेक नहीं करना है। हर कंस्ट्रक्ट का, हर वेरिएबल का अलग अलग चेक किया। सर कैसे करेंगे अभी सिखाऊंगा, पहले ये देख लो, रिलायबिलिटी क्रॉनबेक अल्फा नंबर ऑफ आइटम सेट। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर वाले को देखना है कितनी आइटम है, 4 है, क्या वैल्यू है, 0.83843। ये 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, ये 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब रिलायबिलिटी आपकी ओके है। 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, रिलायबिलिटी आपकी ओके है, 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए क्रॉनबेक अल्फा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे बताता हूँ। ये सारा कर लिया, इसके बाद एक लाइन लिखनी होती है, द कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी हैविंग 4 आइटम्स एंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना, उसकी जो भी वैल्यू है वो बता देंगे, राइट, एनी अबव 4.7 हेंस एट द एक्सेप्टेबल लेवल, सो देयर इज नो नीड टू डिलीट एनी आइटम। और ये सब सर, ये इतने सारे हमें करने पड़ेंगे। हाँ भाई, हाँ, आपको करने पड़ेंगे। सर कितनी देर लगेगी, सच बताऊँ तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे सब करने। सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही सही कह रहा हूँ मैं आपसे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगी ये सारा, बिल्कुल एज इट इज़ काम करने में। मैं आपको खुद करके दिखा देता हूँ, उसी डॉक्यूमेंट पर काम कर लेते हैं जिस पर हमारा चल रहा है, ताकि जो है वो हमें बहुत सारे नए डॉक्यूमेंट ना खोलने पड़े। तो मैं यहाँ ही पर ऐसे लिख रहा हूँ, पायलट स्टडी बाय द वे जो मेन एनालिसिस होते हैं उससे पहले की जाती है। आपको पहले ये ऊपर के जो मेन एनालिसिस है, इससे पहले पायलट स्टडी आप पहले करेंगे अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, पायलट स्टडी की हेडिंग डाल दी है मैंने,
जो लिखना होगा आपको टेक्स्ट वगैरह वो आप लिख देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है ना भाई आप लोगों को? ठीक है, तो पायलट स्टडी की हेडिंग डाल देंगे। अब क्या करना है, डेटा की फाइल खोल लो भाई। क्या कहा था, हर वेरिएबल का अलग अलग होगा, हर वेरिएबल का अलग अलग। पहला वेरिएबल को था ईपी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हैं इसके अंदर। कैसे करेंगे सर, एनालाइज में जाइए, स्केल में जाइए, स्केल में रिलायबिलिटी एनालिसिस में जाइए, एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस, एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस में चले गए सर। यहाँ से ले लें आप 1 2 3 4 5 6 तक ले लें। ईपी क्या है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस 6 तक ले लिया। मॉडल कौन सा है, अल्फा है, अल्फा ही रहने देंगे। स्केल लेबल कौन सा है, लेबल का नाम डाल दें भाई, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है जी, स्टैटिस्टिक में चले जाएं, स्टैटिस्टिक में आइटम पे क्लिक करें, आइटम इफ डिलीट पे क्लिक करें, आइटम स्केल इफ आइटम डिलीटेड, दो हो गए, इस पर कर लें, कंटिन्यू कर लें, ओके कर लें, ये आपके सामने आना। ठीक है, पहला हो गया डन आपका, इसको दोनों को कॉपी करें और ये कर लें पेस्ट। देख लो भाई टाइम कितना हो रहा है, 11:55 पे, चलो 11:54 पे शुरू किया, समझ लो एनालिसिस करना। ये देखो ये दो आ गए आपके, किसके आ गए, ये आ गए एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के। तो यहाँ पर सर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस भी पेस्ट कर दो तो नज़र आ जाएगा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के आगे 0.7 से ज़्यादा है, हाँ 0.7 से ज़्यादा। नंबर ऑफ आइटम कितने, 6। आगे बढ़ते हैं, दूसरा करते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट रिलायबिलिटी में जाने के लिए यहां से शॉर्टकट से ही हमने डायरेक्ट रिलायबिलिटी ले लिया आइटम्स को सबको। सर रीसेट करें, रीसेट करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट कर लें आप सबको यहां से और वापस भेजें और उसके नीचे वाले पे आ जाएं। टीएल के 1 2 3 4 5 6 7 तक है, ले लिया। यहाँ पे नीचे से लेवल चेंज कर लें, टीएल क्या था, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, और ओके कर दें। सर गलत हो गया ये, कोई बात नहीं, यहाँ से गलत हो गया, यहाँ से सिलेक्ट कर लें आप, वहाँ पे हम सही कर लेंगे। मैं इसको कॉपी करें और पेस्ट कर दें, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का भी आप पेस्ट कर दिया, यह टी सही नहीं था, टी को सही कर लें, कैपिटल कर लें। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंटर कर देंगे तो नीचे चला जाएगा। 11:54 पे मैंने देखो स्टार्ट किया था करना, दो हो गए हमारे, तीसरे पे आ जाते हैं सर, तीसरे पे आ जाते हैं फटाफट। रिलायबिलिटी एनालिसिस इन सबको हमने कर लिया, सिलेक्ट वापस भेज दिया, नीचे आ जाएंगे। नीचे तीसरी हमारी कौन सी कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉय इंगेजमेंट में कितने हैं, 8 है, ये हमने किए। यहाँ पर हम लिख देते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट कर देते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट को। ये हमारा रन हो गया, देखिए एम्प्लॉय इंगेजमेंट, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आ गया, हमने पेस्ट कर दिया। ये एम्प्लॉय इंगेजमेंट का भी हमारे पास आ गया, ओके। थोड़ा सा इशू है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आ गया था, एम्प्लॉय इंगेजमेंट का नहीं आया, कोई बात नहीं। इसकी हम लोग आउटपुट फाइल पे दोबारा चले जाते हैं, 1 2 3 इसकी ज़रूरत हमें, चलो ये भी हमने ले लिए, कोई बात नहीं। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, रिलायबिलिटी, ठीक है जी, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर दें और पेस्ट कर दें। आ गया एम्प्लॉय इंगेजमेंट का, ठीक है। अच्छा प्रॉपरली यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है तो दोबारा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। समटाइम्स इशू करता है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया,
यहाँ पर ऊपर करके मैंने पेस्ट कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को खुद टाइप कर लेते हैं, कितनी देर लगती है। एम्प्लॉई इंगेजमेंट है, एम्प्लॉई इंगेजमेंट, ये लो हो गया, ठीक है भाई। कौन सा है इसके बाद वाला वेरिएबल है भाई हमारा, इसके बाद वाला रिलायबिलिटी एनालिसिस। अगेन सबको सिलेक्ट कर देंगे, वापस करें और नीचे पे आ जाएं तो आपके पास है सेटिस्फेक्शन। ये आखिरी वेरिएबल है, ये ले लिया हमने एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन, ठीक है जी। एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन ओके कर दिया हमने, सिलेक्ट कर लिया इसको भी, इसको भी ले लें कोई बात नहीं, को ले लिया हमने, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास और ऊपर से ही उठा लेते हैं, वहाँ से भी चाहें तो कॉपी कर लें नाम को, यहाँ से भी कर सकते हैं, हम यहीं से कर लेते हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, एम्प्लॉय लिखा हुआ है, सेटिस्फेक्शन, ठीक है जी। ये सारा रन हो चुका है हमारा, देख लें भाई 12-6 मिनट में ये हमने सारा रन कर लिया। सर वहाँ तो लिखा हुआ भी था, सब कुछ लिखा हुआ भी था, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ था भाई, कौन सा मुश्किल काम है इसमें जो लिखा हुआ था। तो देख लें यहाँ पर टॉयलेट स्टडी में आ गए। अब ये आपको एंड में जो है वो पूछ रहे हैं, ये वाला टेबल बनाना है, शुरू में टेबल बनाना है, एंड में क्या है भाई, एंड में कहता है ये समराइज टेबल बनाना है, समराइज टेबल बना लेते हैं भाई, ठीक है। कंस्ट्रक्ट है, नंबर ऑफ आइटम है, प्रोन बेक अल्फा, ठीक है, समरी स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा इधर आ जाते हैं, इंसर्ट करो टेबल, सर ये तो यहाँ आ गया, कोई बात नहीं, कंट्रोल एक्स कर लो यार, नीचे पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया। पहले में क्या है, कंस्ट्रक्ट, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है भाई ये आ गया। कंस्ट्रक्ट हमें याद है, सबसे पहली हमारी कौन सी थी भाई, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस थी, मैं टाइप कर रहा हूँ। दूसरा क्या था, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ठीक है जी, टाइप हो गया, बिल्कुल आसान है। सर नंबर ऑफ आइटम कितने थे, अरे यार नंबर ऑफ आइटम यहीं से देख लेते हैं, आसान हो जाएगा। इसमें चले जाते हैं सीधा सीधा, इस पे आप आ जाओ वेरिएबल व्यू पे, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के 6, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के 7, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के 6, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के 7, ठीक है भाई। एम्प्लॉय इंगेजमेंट के ई के 1-7, 8 तक, और सेटिस्फेक्शन के 7-8 और 7, ठीक है, ये 8 हो गया और ये 7 हो गया, सर लिख दिया भाई जी सर। अच्छा भाई अब क्या करें, इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, वैल्यूज़ भी चेक कर लेते हैं, अपनी रिपोर्ट से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। पहले देख लेते हैं भाई ये रिलायबिलिटी किसकी आ रही है, पहली रिलायबिलिटी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की है, देखिए यहाँ से नजर आ रहा है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करें, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की कितनी 0.965, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ये रहा, इसकी रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करें कितने 0.962, रिपोर्ट से भी देख सकते थे लेकिन बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, हमारे पास आउटपुट की फाइल मौजूद है वहीं से देख लेते हैं। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का चेक करना है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का, एम्प्लॉय इंगेजमेंट का चेक करना है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट का कितना आ रहा है 0.973, ठीक है जी। चौथा कौन सा है, सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन का चेक करना है, सेटिस्फेक्शन का भी चेक कर लेते हैं 0.957। ये आपका जो है वो समरी का टेबल बन गया, ठीक है, इसको ले लें आप बोल्ड, इसका ख़त्म कर दें और पहली वाली लाइन को बोल्ड कर लें आप, ठीक है जी। ये आ गया आपका समरी वाला टेबल भी आ गया आपका, ठीक है जी, राइट। तो इस तरीके से आप मतलब अगर एक और ऊपर वाला टेबल भी बना लेंगे तो भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और बाकी आपको चीज़ें टाइप करनी है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर आपने पूरा पायलट स्टडी कर लिया, ठीक है जी। हाथ सेट है सर आपका, जी मेरा सेट है, आप लोग प्रैक्टिस करें आपका भी सेट हो जाएगा, राइट।
बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई इतना बड़ा इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आसान है एनालिसिस करना, ठीक है, मैंने आप लोगों को करना सिखा दिया है, पायलट स्टडी भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया, मैंने आप लोगों को बाकी चीज़ें भी सिखा दी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फिर मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा फाइनल पेपर के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूँ। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर मुझसे पूछ लें, कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। जी अब्दुल भाई आपका माइक बंद आ रहा है बेटा, आप अपना माइक पहले ऑन कर लें या फिर आप टेक्स्ट में टाइप कर दें अपना क्वेश्चन अगर है तो, क्योंकि आपका हैंड रेज हुआ हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर इनका होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, राइट। तो एग्ज़ाम के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो गाइड कर देता हूँ कि एग्ज़ाम में जो है वो आप, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को आउटपुट के हवाले से सिखाया, तो इसमें मेनली आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन के आउटपुट के हवाले से देखना है कि कोरिलेशन और रिग्रेशन का आउटपुट मतलब जो है वो किस तरह से करते हैं। जैसे अगर रिग्रेशन का है तो इसमें आर स्क्वायर का क्या मतलब है, मॉडल फिट किस तरीके से मतलब हम डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कैसे चेक किया जाता है, तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें से निकाल के दिखाओ तो आप दिखा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा ये भी आपसे कहा जा सकता है कि इसके हाइपोथेसिस आप डिवेलप करके दिखाएं, तो हाइपोथेसिस भी मैंने आपको दिखाया। तो जो भी आपके रिजल्ट होंगे उसको आप देख के आराम से हाइपोथेसिस भी बना सकते हो, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इसका बना सकते हो आप, और रिजल्ट्स वगैरह को भी इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये मेनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों की, इसको आप लोग स्पेशली रिग्रेशन और कोरिलेशन को लाजमी देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस आप लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो देख के समझ लें। मैंने आपके सामने जो है वो सारा इंटरप्रिटेशन वगैरह भी रखा हुआ था, उसको देख के इंटरप्रिटेशन की आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इससे आपका एक मेन क्वेश्चन एनालिसिस से लाजमी बनेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है वो क्वेश्चन डेवलपमेंट के हवाले से हमने एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने क्वेश्चन एंड डेवलपमेंट पढ़ा था, उस लेक्चर को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है जी। इसके अलावा हमने जो है वो हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है वगैरह वगैरह, राइट। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग जो है वो देख लीजिए कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है वगैरह वगैरह। और सैम्पलिंग के हवाले से आप देख लें कि सैम्पलिंग की टाइप्स वगैरह के हवाले से आप थोड़ा सा देख लें कि सैम्पलिंग की टाइप्स क्या होती हैं। इसके अलावा वो सैम्पलिंग वाला जो लेक्चर है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसको भी आप लोग प्रॉपरली रिव्यू कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप वेरिएबल की जो टाइप्स होती हैं उसको आप देख लें कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, मीडिएटिंग क्या होता है, मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, पैनल डेटा क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने जो है वो प्रॉपरली कवर करना है, ठीक है। इनको समझना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने जो है वो प्रॉपरली इसको जो है वो आंसर करना है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को रखना है। और दूसरा, जहाँ पे भी आपको पॉसिबल हो एग्जाम्पल्स वगैरह डालना, जहाँ पर भी आपके लिए पॉसिबल हो एग्जाम्पल्स वगैरह डालना, तो वहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल्स लाजमी डालें। एग्जाम्पल्स होना भी वहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए एग्जाम्पल्स आपके जहन में होनी चाहिए। जो भी चीज़ आप प्रिपेयर करें तो उसकी एग्जाम्पल अपने जहन में लाजमी रखें, ठीक है जी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। दूसरी ये चीज़ के कोशिश करें कि क्वेश्चन को आप सिक्वेंस में सॉल्व करें,
और आपके जो हैंड राइटिंग वगैरह वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, और जब आप स्कैन करते हैं या पिक्चर्स वगैरह बना के आप पीडीएफ करते हैं तो प्लीज़ आड़े टेढ़े पेपर आप लोग स्कैन ना कीजिए, सीधे पेपर को स्कैन कीजिए, प्रॉपरली विजिबल हो वो, ठीक है। आप लोगों को सफिशेंट टाइम दिया जाता है, लेकिन आप लोग हड़बड़ाहट में ही काम हमेशा करते हो, तो हड़बड़ाहट में काम ना करें, सुकून से आप लोग जो है वो अपना प्रॉपरली करें। अगर एमएस वर्ड पे ही सॉल्व कर सकते हैं तो एमएस वर्ड पे सॉल्व करें, हैंड रिटन में सॉल्व कर सकते हैं तो हैंड रिटन में सॉल्व करें, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन प्रॉपरली हो, विजिबल हो, रीडेबल हो जब आप मेरे पास सबमिट करवाएं। तो तरीका क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में वही होगा कि गूगल क्लासरूम पे ही आपके साथ पेपर शेयर किया जाएगा और वहीं पर आपको जो है वो सबमिट करना होगा, जिससे आपने लास्ट सबमिट किया था अपना मिड टर्म का पेपर। किसी हवाले से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो मुझे लाजमी बताइए अभी, ताकि उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लें। जी स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। बाद में आप लोग मुझे बीच में मैसेज करते हैं, समटाइम मेरे पास टाइम होता है, नहीं होता, मेरे पास और भी क्लासेस चल रही होती हैं तो मैं आप लोगों को फिर रिप्लाई नहीं कर पाता, तो इसलिए अभी कोई इशू है आपका, कोई दिक्कत है तो आप लोग लाजमी पूछ लें। यहाँ पर जो है वो अतिका रसूल के लिए ये काम हम प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज छोड़ दें, ठीक है, तो फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, राइट। और इसके अलावा अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बता दें। अटेंडेंस के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि आज की जो अटेंडेंस है वो आप लोग व्हाट्सएप पे अपना जो है वो नाम के साथ अटेंडेंस बता दें कि आप प्रेजेंट थे, तो वो मैं आपको मार्क कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वैसे तो मौजूद है लेकिन अभी मैंने फाइल नहीं खोली हुई है, तो इसलिए जब आप लोग आएगा तो वहीं से मैं देख के आप लोगों की अटेंडेंस को भी जो है वो मार्क कर दूंगा, सही है। टोटल आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा तकरीबन जो है वो आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, 50 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर होगा। प्लीज़ अपने पेपर में अपना नेम, रोल नंबर वगैरह लाजमी इसके अंदर आप लोग मेंशन कीजिएगा, और जब आप अपनी फाइल सबमिट करें तो फाइल का नाम भी अपने नाम से सेव करेंगे, तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि ये पेपर इस स्टूडेंट का है, तो मार्किंग वगैरह करने में हमें आसानी हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली कि आप लोगों को इस कोर्स में कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिला होगा, ठीक है जी। तो इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई चीज़ आ रही है अभी तो मैं मज़ीद 5 से 10 मिनट जो है वो ऑनलाइन मौजूद हूँ, ताकि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक मरतबा ओवरऑल जो है वो मैं आपके सामने जो है वो आउटलाइन जो हमने स्टडी की है वो रिव्यू कर देता हूँ, ताकि आपके जहन में आ जाए कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो प्रिपरेशन के हवाले से आपका ईजी हो जाएगा। हमने शुरू में जो है वो रिसर्च के हवाले से, हॉलमार्क ऑफ द रिसर्च के हवाले से, रिसर्च की डेफिनेशन के हवाले से, और हमने जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च के हवाले से, फिर हमने जो है वो लिटरेचर किस तरह लिखा जाता है, पेपर किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, वो सब चीज़ें भी हमने पढ़ी थी। पेपर हमने डाउनलोड किए, आपको ये भी बताया कि फ्री में पेपर किस तरह डाउनलोड होते हैं, उससे आपको लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ये सब कुछ आपने किया। इसके बाद फिर हम मेथोडोलॉजी के पार्ट पे आए, मेथोडोलॉजी के पार्ट पे आपको जो है वो बताया गया कि सैम्पलिंग कैसे की जाती है, क्वेश्चन डेवलपमेंट कैसे की जाती है, ठीक है ना, ये सब हमने किया। हमने हाइपोथेसिस डेवलपमेंट करना किया, फिर डेटा कलेक्ट करके किस तरीके से उसको हम सॉफ्टवेयर में इनपुट करते हैं, ये हमने किया। सैम्पलिंग कैसे की जाती है ये हमने सीखा, डेटा को इनपुट कैसे किया जाता है, एनालाइज़ कैसे किया जाता है, एक्सेल पे कैसे एनालाइज़ किया जाता है, एसपीएसएस पे कैसे एनालाइज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो सीखी। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमने सीखा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं ये हमने सीखा, हाइपोथेसिस को कैसे डिवेलप किया जाता है ये हमने सीखा। तो हमने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर सीख ली। जब आप रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसके अंदर ये चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, तो ये हमें समझ में अब आती हैं। तो रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करें, रिसर्च पेपर्स को पढ़ें जो रेलिवेंट आपके कोर्स से रिलेटेड हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, वो वाले रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आप समझ में आएंगे। पहले आपको अगर मिसाल के तौर पे 10% समझ में आता था तो अब आपको मोर देन 50% समझ में आएगा। तो सर 100% कैसे आएगा? 100% उस वक्त आएगा जब आप
रीडिंग अपनी पढ़ाएंगे, रीडिंग करेंगे, रीडर्स आर द लीडर्स। तो जब तक आप लोग रीडिंग नहीं करेंगे, अपनी रीडिंग हैबिट्स को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप लोगों को फिर ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए आप आर्टिकल्स पढ़ें, जिस तरह हम लोग व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं इधर उधर की चीज़ों में, तो आप अगर दिन में एक आर्टिकल डाउनलोड कर लिया आपने 8-10 पेज का, और उसको लेटे लेटे रात के टाइम पे भी पढ़ लिया, या जिस वक्त आपको टाइम मिला उस वक्त आपने आधा घंटा लगा के, एक घंटा लगा के आर्टिकल को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आ जाएगा आपको। सर इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, नहीं समझ में आते, कोई बात नहीं, उनको इग्नोर करें। अगर वो इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं तो नेट आपके पास होता है, इजीली उसके मीनिंग देखें आप, ठीक है। लेकिन पढ़ें, जब आप पढ़ेंगे तो ही आप इम्प्रूव करेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। शुरू में आपको एक आर्टिकल पढ़ने में, समझने में जो है वो हो सकता है 3-4 घंटे लगे, दिन लग जाए पूरा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होगा कि आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे आर्टिकल को एक मरतबा देख लोगे और समझ लोगे किसके अंदर काम किया क्या, ठीक है। तो इसलिए मतलब जो है वो जितनी आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, उतना आप चीज़ों को एनालाइज करने में, देख के इसमें से जो काम की चीज़ निकालना है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉपरली आप निकाल लोगे चीज़ों को, अंडरस्टैंड कर लोगे, तो इससे आप लोगों की रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी, ठीक है। रिसर्च सिर्फ ये नहीं है कि रिसर्च के कोर्स तक महदूद है, हर कोर्स में रिसर्च जो है वो आपको काम आती है। आगे आप और स्टडी करेंगे, मजीद मास्टर्स वगैरह की तरफ जाएंगे, वहाँ पर भी आपको रिसर्च की बेस जो है वो काम आएगी, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा है कि बिजनेस के हवाले से भी जब आप एक मैनेजर की पोस्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है वो आपकी रिसर्च काम आती है, ठीक है। आप लोग थ्रू आउट द सेमेस्टर जो है वो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का इंट्रेक्शन फिजिकली भी रहा, ऑनलाइन भी रहा, आप लोगों ने एक मतलब जो है वो एक अच्छा ग्रुप स्टूडेंट्स का अपने आप को साबित किया। दो के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाए, तो उसकी सर्टेन वजह मुझे अंदाज़ा है कि दैट्स द इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का मसला होता है, डिवाइसेस का मसला होता है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाए, राइट। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, एग्ज़ाम में तकरीबन 1 हफ्ता मेरे ख्याल से आप लोगों का मौजूद है, राइट। तो आप लोग के पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जो चीज़ें आपसे मिस हो गई थी, जो चीज़ें आपसे जहन से निकल गई थी, उनको लाजमी आप लोग जो है वो प्रिपेयर करें, उनको एक मरतबा 10 मरतबा सुनें, जितना आपको टाइम मिलता है सुन लें, हर चैप्टर का देख लें आप लोग, हर जो है लेक्चर के हवाले से आप उसको जो है वो वॉच कर लें लेक्चर्स को, ताकि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। चीज़ों को आप लोगों को प्रॉपरली तैयार करना है, राइट, और एग्ज़ाम के अंदर अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है वो परफॉर्म करना है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैं खामखा स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं काटता हूँ, अगर स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं उनको अच्छे मार्क्स देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच टू बी पार्ट ऑफ माई क्लास थ्रू आउट द सेमेस्टर, वी हैड अ वेरी गुड एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग, एंड होप फॉर योर सक्सेसफुल रिजल्ट इन योर फाइनल, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।